समझ लिया गटैया हमार पकड़लस अभी दादा गाड़ी भूत आ गया। वेलकम बैक गाइज, सो दिस इज मिस्टर लक्स। और कल जो हमने पहला ब्लॉग अपलोड किया था उस पर आपका प्यार देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो चुका है मेरा। और आज हम करने वाले अपने लाइफ का पहला चैलेंज। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज किया है, और वैसे मैं वर्ल्ड वाइड फेमस यूट्यूबर बना तो हूं नहीं कि मुझे यूट्यूब से वर्ल्ड वाइड कमेंट्स आने वाले हैं, पर बात तो सही है। उसमें बेसिकली बहुत सारे चैलेंज मैंने देखे। ई रिक्शा वाले भाई, ये कौन है? जंगल चैलेंज, तो समझ सकते हैं आप सब यूट्यूब आर्टिस्ट के फेमस होने से पहले ही जंगली शेर के द्वारा हत्या कराने की कोशिश। क्या बोला तूने? आज का ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का यूट्यूबर वीडियो बनाते समय हुआ 99% घायल, 1% सब्सक्रिप्शन वाला चांस जो आप देने वाले हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। और आज का चैलेंज होगा वो जो होगा हमारी औकात में। अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब कर दे बाबा। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो अपन के औकात में ई रिक्शा चैलेंज। तो गाइस, हम रहने वाले हैं 24 घंटा ई रिक्शा में डबाडब। सो गाइस, अब समय है अपने ई रिक्शा को बुलाने का। कॉल करते हैं अपने ई रिक्शा वाले भैया को। हेलो हाँ भैया, कहाँ पे हैं? पहचान रहे हैं मिस्टर लक्स यूट्यूब पे? नहीं जानते? अच्छा, इमोशनल डैमेज। आदित्य पहचान लिए भैया, आपका ई रिक्शा चाहिए था यार, एक दिन के लिए बुकिंग पे है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। 500 रुपए पे? क्या भैया, भैया बहुत जरूरी है, यूट्यूब पे मुझे चैलेंज मिला, मुझे करना ही करना है किसी भी तरह, तो प्लीज भैया 1000 रुपए लेंगे। कहा भैया, अभी तो चैनलवा शुरू की है, 200 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कहा चाह रहे हैं घरवा बेचा जाए 1000 होने से पहले। दियारी लगा जा, दियारी लगा। टेंशन नहीं भैया, भैया हाँ हाँ ठीक है भैया, 1200 रुपए ले लीजिएगा। आ जाइए भैया, आ रहे हैं, 1200 रुपए तैयार है। ए गाड़ी स्टार्ट कर। सो गाइस, फाइनली खत्म हुआ हमारा आज का इंतजार, और आ गए हमारे मुकेश भैया। भैया सवेरे से इंतजार करते करते 10 बजा दिए। अरे बाबू, तू गांव के हवा तब आ गई नहीं कह? हाँ, लड़ाई होकर झगड़ा होकर से बच गई। A few moments ago. 20 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। भैया कुछ कम नहीं करेंगे? ए बाबू, ये कह हम आ गई बानी, 1 रुपया कम नहीं हुई। ठीक है भैया, आप पैसा ले लीजिएगा, रिसियाइए मत। तो आपको पता आज आपके रिक्शा पे क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आपके ई रिक्शा पे होगा जादू, और हम रहेंगे 24 घंटा आपके ई रिक्शा में। तो तैयार है आप आज के नए सफर के लिए? तो कहिए सब्सक्राइब। हम फर्स्ट शुरू करते गाइस गंगू भाई से। अरे ई का झारा तारा, ऐसे बने स्टेशन पर झड़ता तो 10 रुपया मिली तो तुहार काम चल जितो, हम इस मांगता नहीं। इमोशनल डैमेज। माता जी, एक दिन हम फेमस हो जाएंगे इसी रिक्शा का वीडियो बना के। तो झाड़ू लगाओ, हम तो जाता नहीं, ना तो 2 रुपया कमाए के इंतजाम करो। झाड़ू तो लग चुका है, अब करने का है थोड़ा सा इसके ऊपर। आई जी बहुत भारी है, पापा वाला गद्दा चुरा के लाए हैं, लात खाएंगे रात को। चोली के पीछे का। A few moments later. So guys, ये है हमारी बसंती बहार, गौरी से जाती है नौका बिहार, और दुल्हनिया के तरह सज के हुई है तैयार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो गाइस, बसंती बहार हो गई है तैयार, और हम लग रहे हैं निरहुआ ई रिक्शा वाला। और गाइस, आप लोग तो हमको करते नहीं है, समझ रहे हो आप, तो इसीलिए हमने हर जगह लगा दिया है पोस्टर अपना। वैसे मेरी सकलिया बड़ी गंदी आई है, वैसे है गंदी तो गंदी आएगी। ए भाई, इस पे कौन सब्सक्राइब लिख दिया है बे? AXAXscribe हो गया है। तो गाइज, ये तो सब्सक्राइब लिख दिया है। गाइज, आप लोग इसे माइंड मत करिएगा, आप करिएगा वो सेक्स, मतलब जो आप नहीं करते सेक्स, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
सो गाइज हमने करा दिया है बसंती का मुंह दिखाई है, मुंह दिखाई पे दीजिए एक सब्सक्राइब फटाक से। और गाइज आई सैर कराते हैं अपने बसंती का, तो ये झालर हमारे लाइट और ये बेड और ये रात के सोने का बिस्तरा और गाइज हमारे खाने के लिए है खाची भरमाल जो दिए हमें भगवान जी हमारे बर्थडे पे गिफ्ट। कुछ भी भैया कैसी लग रही है आपको हमारी बसंती बहार? ये तो लगा था एकदम एक नंबर माल। अरे गाइज भैया को लग रही है माल और चलते हैं माल के अंदर, समझ रहे हो समझ रहे हो, और हम बिताने वाले हैं आज 24 घंटा इसके अंदर। तो अब चले हम इसके अंदर। ए भाई कैसे मुड़ गई हो, ठीक से नहीं बिछा पाई का। तो गाइज देख सकते हैं इसमें कंफर्ट का पूरा हमारे इंतजाम है, एकदम सोफा सेट है और हम किंग स्टाइल में बैठा हुआ है। वाह क्या सीन है। शुरू करते हैं आज का हमारा दिन एक स्टिंग से। चू गया हमारे ऊपर जो चूता मतलब रेस्टिंग चू गया। गाइस लगता है अब हमको तौलिया लगाना पड़ेगा, तौलिया मांगना पड़ेगा। भगवान जी आई नहीं तौलिया, भगवान जी ऊपर तौलिया फेंकते थे, पहली बार साइड से फेंके हैं। हमें तौलिया मिल चुका है क्योंकि हमारे ई रिक्शा में एसी तो लगा नहीं है, किसान की औलाद है इस ई एसी कहां से बता होगा। तो लेटेस्ट न्यूज़ है गाइस, भगवान जी के डोलची का शुक्र है कि मुझे तौलिया मिल गया, वरना हम किसान की औलाद बिना एसी के कहाँ रह पाते। भगवान जी से कनेक्शन बनाने लगे थे तो इंद्रदेव खिसिया गए और हो गया है कस के एकदम प्रचंड घाम और जर रहा है मुंह, जर रहा है, देख क्या बताएं हम आपको। गाइस बहुत कस के भूख लगी है, अब पेट में चूहों ने माँ भारत खेल लिया है, अब समय अपने भगवान जी के जादुई टोकरे से कुछ खाने के लिए मांगने का। भगवान जी प्रोटीन वाला। गाइस भगवान जी ने तो सच में जादू कर दिया है भाई, बिना बोले जान जाते हैं क्या खाना पीना, कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। और गाइज हमने फिनिश कर लिया इसे और चाट के साफ कर लिया। प्यारी समझ गई गाइज, खाना तो बहुत ही डिलीशियस था, खांसी से। भगवान जी कटोरा ले जाइए, पानी ले आइए। ठीक है। अब पानी भी कम पीना है नहीं तो गीला हो जाएगा, याद तो है ना। A few moments later. कसम मुझे पेट में गैस हो गया, बैठे बैठे, oh my god. ये फंस गैस ही है। आइडिया, मुझे खाना पड़ेगा थोड़ा सा दही पेट को ठंडा करने के लिए। अब करते हैं आबरा डाबरा। भगवान जी मुझे दही चाहिए। ठीक है। गाइस फाइनली हमारा दही आ गया है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। धन्यवाद। जल्दी से गाइस दही एंजॉय करते हैं, कम से कम दोपहर में कुछ हो तो जाए पेट में। हाँ चल रहा है जल्दी से। लगता है भगवान जी इसमें चीनी डालना भूल गए हैं। गाइस किसी को खाते देख रहे ना, पाप है, लेकिन आप देख सकते हो आपके लिए सब माफ है। खाना चाहते हो आप? बेटा मन में लड्डू फूटा। भगवान जी कटोरा ले जाइए। हाँ लगता है भगवान जी चीनी वाले बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिए। गाइस मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, आप भी मेरे साथ कोशिश करो। भगवान जी कटोरा ले जाइए प्लीज। ठीक है। करूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। So guys, कैसी लग रही है आपको मेरी बसंत बिहार? अभी तो मैं अपनी एक्साइटमेंट शब्द में नहीं बता सकता। कि मैं क्या मतलब मैं तो बाहर में कूद के इसे देखना चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं इसे देखने का, आप बस मुझे सपोर्ट। आपको कैसी लग रही है? माल लग रही है? ये क्या बात करता है यार। तो हम निकल रहे हैं अपने सफर की ओर अपने बसंत बिहार से। गाइज ये है मेरी बसंत बिहार जो जा।
आप मुझे सब्सक्राइब किए कि नहीं? तब कर दिए गाइस, खुलेआम भीख मांग रहे हैं हम रोड पे सब्सक्राइब कराने के लिए। तब क्या साबित करना चाहता है तू? गाँव में आइएगा छेगांव में, तो 36 गांव वाला छेगांव है, तो रज्जब अंकल के दुकान पे जरूर आइएगा। और ये हमारा स्टिंग, ये मेरा फेवरेट स्टिंग है, मेरी फेवरेट दुकान है, मेरे फेवरेट अंकल जी। थैंक यू अंकल जी। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा लग गई है, तो बिना किसी का समय बर्बाद किए हमें यहाँ निकलना होगा, और खासकर आपका। जल्दी वहाँ से हटो। So guys, finally अपने गांव से निकल चुके हैं। आपने देखा पब्लिक जुड़ गई थी, कसम से बता रहे भीख मांगते मांगते मेरा मुंह दर्द कर रहा है, और अब आपको सब्सक्राइब करना ही करना पड़ेगा। मतलब मेरी इज्जत, मतलब मेरी मेरी भी तो इज्जत है, तो इस इज्जत के लिए ना आप वीडियो लाइक करिए, मत लाइक करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए गाइस, आगे चलते हैं सफर की ओर। गाइस, हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं अपने बसंत विहार में तेल भराने के लिए, और देखिए कैसे रुपए तेल है। क्या बोला तूने? भैया तेल डाल दीजिएगा इसमें, पेट्रोल। इसमें तेल कहाँ पड़ेगा भैया? तेल कहाँ पड़ेगा? अरे भैया तेल कहाँ पड़ता है? अरे ये वाला तेल नहीं, YouTube पे सब्सक्रिप्शन वाला तेल डाला। बेकार नहीं है। हम पहुंच चुके हैं अपने चौराहे पे, पुलिस भैया लोग हमें सपोर्ट करने के लिए हैं, और इनसे हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं साथ दे ग्रो करने में, तो जल्दी जल्दी एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक देश की सुरक्षा कर्मियों के लिए। So guys, हमें जल्दी से घर निकलना होगा क्योंकि 10:11 हो चुके हैं, और घर वाले मुझे प्यार करने लगे उससे पहले निकल जाते हैं घर के लिए मंचूरियन खाते। गाइस भूखे नहीं आएंगे। पर पहुंच चुके गाइस, हम तो बोतल खोज रहे हैं पिछले 10 मिनट से, ये फंस गया सी है। फिर भी गाइस 24/7 चैलेंज है, तो मुझे या तो बोतल लेना पड़ेगा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सो गाइस, रात के बज रहे हैं 12, मुझे लगी है जोरों की भूख, और गाइस मैंने जैसे बताया था 24 घंटे वाला चैलेंज है, बोतल मैंने इस्तेमाल कर लिया है। प्यारी समझ गई। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे डायपर इस्तेमाल करना पड़े, तब भी बहुत जोरों की लगी है, और रात तो मैं जल्दी से अपने करने वाले हैं अपने भगवान जी को। भिखारी साला, भगवान जी कुछ खाने के लिए भेज दीजिए। ठीक है गाइस, तो भगवान जी को भी पता है कि मुझे डाइटिंग से नहीं डाइपर से बचना है। फिनिश करते हैं अपने रात के डिनर को, सोचा कि अपने क्रू के साथ आज एक भूतिया कहानी सुनेंगे, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे? चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। मैंने आज का डिनर जो है खत्म कर लिया है, अब भगवान जी को याद दिलाना पड़ेगा। थाली ले जाइए, पानी दे दीजिए। ठीक है गाइस, पानी थोड़ा सा पीना पड़ेगा, मुझे फिर से बोतल नहीं इस्तेमाल कर, समझ रहे हो? कहानी सुनेंगे उसके बाद जल्दी जल्दी से सो जाएंगे। समय है गाइस थोड़े से स्टोरी टेलिंग का। केस भाई जो अपने जवानी के दिनों के ताजा तरीन बिना सूखे हुए जगे हुए कहानी सुनाने वाले हैं। ए गाड़ी स्टार्ट कर। सो गाइस आ चुके हैं मुकेश भाई अपने सूखे मतलब हरे भरे खतरनाक डार्क भूतिया स्टोरी सुनाने के लिए। तो मुकेश भाई क्या हुआ था आपके साथ बताइए। एक बार रात की बात ही बाटे बाबू, एगो गांव में फंस गए लानी, रात के समझ ला 12:30 रहे, ओकरे बाद से बादल भी लगल रहे, बिजली चमकत रहे, दो चार लोग कहल कि रास्ता पकड़ के मत जा, लेकिन जनते वाला जवानी जोश रहे अपन, कहानी केतनो रात हो जाए चलब घर में सुखल नहीं रहे, कहानी चलब घर में। अब जैसे गांव से थोड़ा दूर बाहर निकलनी, लगनस कुत्ता भोंके, थोड़ा थोड़ा डर तो लगबे करे, गौवा को हरवा गई नहीं, एगो पुल रहे आ पानी बहत रहे, वही जा तौले तो सफेद के पहन के निकल समझ लिया गटैया हमार पकड़लस। अरे दादा कौन रे भाई, गाड़ी भूत आ गया भैया, का भूतवा भैया मुकेश भैया का कैसे रात को भूत आ गया मुकेश भैया, तनी देख देख तू डर गए क्यों भाई, बा डरवावत तने सो लगा था कौन मुकेश भैया, आज आप रात भर मेरे साथ रहेंगे जाएंगे नहीं आप तो नहीं पक्का गाइस, भूत चुड़ैल पोल वाली आई थी और गाइस लग रहा फिर चुड़ैल आ गई है, मेरा लाइफ नहीं गाइस फिर चली गई गाइस, अब मुझे लगता है अब आज रात को गाइस मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस मैं तो बहुत डर गया हूँ, पर फिर भी मुकेश भाई को मैंने बहुत बुलाया मेरे साथ सोने के लिए, मतलब मेरे साथ सोने के लिए मेरा साथ देने के लिए, उन्हें रहने नहीं दिया यहाँ पे। तो गाइस रात का जोश, मतलब रात में बहुत डर लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा, इतना डर लग रहा है गाइस कि मैं सिर्फ ये फ्लैश लाइट बुझा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं बुझाऊँगा।
अब कब भूत आएगा पता नहीं गाइज। मुझे डर तो लग रहा है पर आपके लिए कुछ भी, बस लाल बटन दबाइए काला नहीं होगा। सुबह हो गया, मुझे भूख लगा है। अजीब जानवर है। टाइम हो गई, रतिये तो हर 1200 खत्म हो गई। जल्दी उतरो यहाँ से, जल्दी वहाँ से हटो। सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारा 24x7 ई रिक्शा बसंत बहार चैलेंज पूरा हो चुका है। शाबाश। ये करिया झाड़ू लगाओ, तो करिया में अज्जा गांव भर झाड़ू लगा के आओ, 50 रुपया मांग के लिए आओ, 50 रुपया मांग लो जा। गजब बेइज्जती है। लोग हमको सब्सक्राइब करेंगे और हमको पैसा मिलेगा, देखिएगा ना। पैसा मिल जा। गाइस मुझे घर से भगा दिया गया है गाइस, झाड़ू लगाने के लिए गांव में गाइस। और गाइस उम्मीद करते हैं आप हमारी मेहनत को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और उस बेल आइकन को तो हिट करना बहुत ही जरूरी है। आप उंगली से दबाइए, पैर से दबाइए या फिर किसी दोस्त को उठा के मार ही दीजिए उस पे, लेकिन बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। भगा दिया गया गाइस झाड़ू लगाने के लिए गांव में गाइस, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिएगा गाइस, प्लीज प्लीज।